हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्यांशी। वेलकम टू दिव्यांशीज क्रिएटिव आइडियाज़। इस चैनल पे मैं होम डेकोर रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आज मैं बनाऊँगी राजस्थानी हाउस DIY, जो घर पे वेस्ट मटेरियल यूज़ करके बनाया गया है। इस DIY को आप बुक रखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बालकनी डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं, इसे प्लांटर रखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के ऑयल का टिन लिया है, जो घर पर सभी के आसानी से मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे स्केच पेन से एक रफ़ लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अच्छी तरह से ड्रॉ करने के बाद इसे मैं कट कर दूँगी। यहाँ मैंने कटर से कट किया है। अब मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी ली है, जो हार्डवेयर की शॉप पे आसानी से मिल जाती है। इसे पानी में मिलाकर मैंने थिक पेस्ट तैयार किया है। अब मैं इसके 2 कोट लगाऊँगी और सूखने के लिए छोड़ दूँगी। राजस्थानी हाउस DIY बना रही हूँ तो जरूर का तो होगा ही। इसके लिए मैंने एक थिक कार्डबोर्ड लिया है, उस पर मैंने विंडो और डोर को रफली ड्रॉ कर दिया है। मैंने कोई स्पेसिफिक मेज़रमेंट नहीं लिया, बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। अब मैंने इन्हें ड्रॉ करके अच्छे से कट कर दिया है। और कट करने के बाद ये कुछ ऐसे लगेंगे। अब मैं इन्हें टीन पे चिपका दूंगी फेविकोल की मदद से। अब वॉल पुट्टी को पानी में मिलाकर मैं थिक पेस्ट तैयार करूंगी और इसे पूरे टीन पे लगाऊंगी। यहाँ मैंने 2 से 3 कोट लगाए हैं ताकि एक अच्छा सा बेस मिल सके, और ये सूखने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब वॉल पुट्टी और पानी और फेविकोल को मिलाकर एक डो बनाएंगे, उसे ऑयल से नीट करेंगे। अब जरूखा बना लेंगे। जरूखे की डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पे डो को पतला बेलकर नीचे की तरफ लगाया है। उसके नीचे कमल के पेटल्स लगाए हैं, दोनों तरफ छोटी पतली स्ट्रिप्स लगाई है, और उन स्ट्रिप्स के नीचे मैं छोटे छोटे कमल के फूल लगाए हैं। और जैसे मंदिर में जरूखे की डिज़ाइन होती है, वैसा ही जरूखे के ऊपर मैंने यहाँ पे लगाया है। और इसे पानी से स्मूथ करते जाएंगे। अब राजस्थानी लेडी बनाएंगे, जो जरूखे से देख रही है। डो को अच्छे से फेविकोल से चिपका के उसे स्मूथ करते जाएंगे और वॉल पुट्टी को पानी में मिलाकर एक कोट लगाएंगे उसके ऊपर। अब टीन के दूसरी तरफ दरवाजे पर वो ही सेम जरूखे की डिज़ाइन बनाएंगे और उसे पानी से स्मूथ करते जाएंगे, और यहाँ नाइफ से चेक्स बनाएंगे। होल पुट्टी के डो से डोर पे डिज़ाइन बनाएंगे। बीच में होल पुट्टी को डो को बेल कर 2 सर्कल लगाएंगे, जो पुराने ज़माने में एज अ डोर बेल यूज़ किया करते थे। यहाँ पास में विंडो में मैंने कमल के पेटल्स लगाए हैं, उसके ऊपर डो को बेल कर लगाया है, और नाइफ से इम्प्रेशन देंगे पेटल्स पे। होल पुट्टी को पानी में मिलाकर एक कोट कर देंगे, उसे सूखने छोड़ देंगे। टीन के तीसरी तरफ मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से डिज़ाइन बनाई है, और बीच बीच में सर्कल से डिज़ाइन बनाई है। और अब वॉल पुट्टी को पानी में मिलाकर एक अच्छे से कोट कर देंगे पूरे टीन पे, और उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। लेडी के घूंघट में रेड कलर करेंगे और दीवार पर ब्राउन कलर करेंगे। यहाँ कार्डबोर्ड के ऊपर के पेपर को निकाल कर मैंने झोपड़ी की डिज़ाइन बनाई है जरूखे के ऊपर। जरूखे पे गोल्डन कलर करेंगे और दीवार पर ब्रिक्स की डिज़ाइन देंगे। अब टिन के दूसरी तरफ दरवाजे की डिज़ाइन पे गोल्डन कलर करेंगे, और ये करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। डोर पे मैंने ब्लू, वाइट और ग्रीन को मिक्स करके लगाया है। यहाँ पास में मैंने कर्टन बनाया है खिड़की पर, और ब्रिक्स की डिज़ाइन दी। तीसरी तरफ भी डिज़ाइन पर गोल्डन कलर करेंगे और ब्रिक्स की डिज़ाइन बनाएंगे वॉल पर, और ये कुछ ऐसा लगेगा। राजस्थानी हाउस बनने के बाद चारों तरफ से कुछ ये ऐसा लगेगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने घर पे ज़रूर बनाइए। तो यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय।